प्यारे दोस्तों, ये वाक्या पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान का है। यहाँ एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता था। होटल जो कि उसके घर के बिल्कुल करीब था, लिहाजा वो रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था और शाम होते ही अपना घर वापस आ जाता है। रास्ते में रोजाना उसका गुजर एक कब्रिस्तान के बाहर से होता था, लेकिन वो ना तो कभी इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और ना उसे इस कब्रिस्तान के बारे में कोई ख्याल आया। एक दिन वो अपने नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था। ये आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए कि आखिर मामला क्या है, ये आवाज़ किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी शहर खामोश में कौन इतनी तेज आवाज़ से बोल रहा है। तो दोस्तों, वो आवाज़ किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी जोर से बोल रहा था, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज़ और भी तेज होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज़ थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद के लिए पुकार रही है। जब उस औरत की आवाज़ कुछ साफ होती है तो वह नौजवान सुनता है कि वो औरत बोल रही है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं ऐसा सबब बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें सवर जाएगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करे और कामयाब हो जाए। वो नौजवान वहाँ से डरकर भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुँचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और फिर अपने साथ पेश आया सारा मामला बयान कर देता है। चंद बुजुर्गों ने उस नौजवान के साथ कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। अब वो नौजवान 8 से 10 लोगों को साथ लेकर कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो वो आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। लिहाजा वहाँ मौजूद बुजुर्ग और आलिम ये फैसला करते हैं कि हमें इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए, इसलिए अब इस कब्र की खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। इतने में अब यहाँ 8 से 10 लोगों का हुजूम 30 से 40 लोगों के मजमे में बदल जाता है। जब कब्र की खुदाई पूरी होती है तो देखा गया कि वहाँ एक औरत बैठी है जो ये कहती है कि कोई मेरे घर जाओ और वहाँ से एक सूट ले आओ और उसके साथ एक बड़ी सी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। अगर मेरे घर का पता मालूम ना हो तो जाओ कोई शख्स अपने घर से किसी औरत का कपड़ा ले आओ, लेकिन साथ में एक बड़ी सी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। वो नौजवान जिसने पहली बार उस औरत की आवाज़ सुनी थी वो उस औरत के घर का पता मालूम करता है और फिर वो नौजवान उस औरत का एक पुराना सूट एक बड़ी सी चादर ले आता है और फिर इन कपड़ों को लाकर कब्र में फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और फिर अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है तो वो लोग भी उस औरत के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। औरत ये बार बार कहती रही कि तुम सब मेरे पीछे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और फिर कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर वो औरत उन लोगों को अपने घर के अंदर आने की इजाज़त देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, आज मैं तुम सबको एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएगी। कब्र से बाहर आना और तुम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना ही शायद मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने जब अपनी जिस्म से चादर उतारी तो वहाँ मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देख रहे थे जो उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं थे, बाल तो दूर की बात, यहाँ तक कि उस औरत के जिस्म पर चमड़ी तक नहीं थे, खाल भी मौजूद नहीं थी। तो उस नौजवान ने सवाल किया कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, तो उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी और जब मैं अपने घर से बाहर निकलती तो अपने बालों को नंगा रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे बालों की तारीफ करे और मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे हो। तो उस नौजवान ने फिर से सवाल किया कि तुम्हारे होंठ कहाँ है, तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों पर कुछ इस अंदाज से लिपस्टिक लगाया करती थी कि हर मर्द मेरे होंठों की तारीफ करे और मेरी खूबसूरती पर रश्क करे, ये ख्वाहिश करे कि काश ये मेरी बीबी होती। उस वक्त तमाम लोग बुरी तरह से डर गए थे, क्योंकि ये तमाम मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफजदा थे। सिर्फ पहली बार ही
आवाज सुनने वाला नौजवान हिम्मत और हौसले के साथ उस औरत से बात कर रहा था। वो नौजवान गौर करता है कि उस औरत के पैरों की उंगलियों पर खाल और नाखून मौजूद नहीं, जबकि उसके पांव मुकम्मल तौर पर सड़ गल चुके हैं। वो नौजवान सवाल करता है कि तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ, तो उस औरत ने बड़ी तकलीफ के साथ बताया कि जब मैं जवान थी तो गैर मर्दों की जानिब बढ़ते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं इन्हीं पैरों से भाग भाग कर गैर मर्दों से मिला करती थी। आज मैं तुम्हें ये पैगाम देने आई हूँ कि तुम्हारे घर खानदान की औरतों, माओ, बहनों, बेटियों को ये तालीम दे दो कि वो गैर मर्दों में अपने जिस्म की नुमाइश ना करे। बाल, होंठ, हाथ, पैर, तमाम जिस्म की नुमाइश ने मुझे इस हाल में मुब्तला कर रखा है। उस औरत ने कहा कि तुम अपने औरतों को पर्दे की आदि बनाओ, मुझे बस यही कहना था। और उसके बाद वो औरत जमीन पर ढेर हो गई, यानी के वो औरत मर गई। लोगों ने उसे वहाँ से उठाया, उसे कब्र में लाकर मिट्टी डाल दी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में औरतों के लिए अहम पैगाम है, वो हमेशा अपने आप को पर्दों में रखे, शर्मो हया की पैकर बने, अपने आप को गैर महरम मर्दों से बचाए रखे। और मर्दों को भी चाहिए कि वो भी अपनी नजरों की हिफाजत करे। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है, तो मर्दों को भी हुक्म दिया है कि वह रास्ते में अपनी नजरें झुकाकर चले। अल्लाह तबारक व ताला हमारी माओ, बहनों और बच्चियों को दुनिया के गंदे गंदे फैशन से बचाए रखे। उन्हें खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने घर की औरतों और खानदान की बच्चियों को जरूर दिखलाए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।